हेलो गाइस, तो बात करेंगे अब तक की तीन सबसे बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले ही बात कर ली जाए बजरंगी भाईजान 2 से, जहां मूवी के राइटर के वी विजेंद्र प्रसाद, जो कि एसएस राजामौली के पिताजी है, जिन्होंने मूवी के पहले पार्ट्स को भी लिखा था, तो उन्होंने क्लियर किया कि पार्ट्स 2 की कहानी भी कम्प्लीट हो चुकी है, उन्होंने लिख दी है और बहुत ही जल्द वो सलमान खान को सुनाने वाले है। और ऑब्वियस सी बात है कि भाई सलमान खान तो स्क्रिप्ट को हाँ ही करेंगे, क्योंकि भाई राधे रेस 3 जैसी मूवी वो बना सकते हैं, तो भाई इसको तो वो हाँ जरूर कर ही देंगे। लेकिन गाइस सीरियसली, अब सलमान खान सोच समझ कर अपने प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं। वेल गाइस, सिकंदर के बाद उनकी बजरंगी भाईजान 2 आने वाली है, जिसके लिए आप कितना एक्साइटेड हो। दूसरी अपडेट कल की 28988 मूवी से है, जहां हाल ही में मूवी का छोटा सा टीजर रिलीज किया गया है, जिसमें कि अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर अश्वत्थामा को बताया गया है, जिसमें कि एक फ्रेम में उनके यंगेस्ट अवतार को भी दिखाया है। बेसिक इस छोटे से टीजर को रिलीज करने का मेन कारण मूवी के हाइप को बढ़ाना था। तीसरी सबसे बड़ी अपडेट पुष्पा 2 से है, जहाँ बड़ी बड़ी मूवीज वो कारनामा नहीं करके दिखा पाई जो पुष्पा 2 ने करके दिखाया है, और मूवी ने रिलीज से पहले ही अपने बजट 500 करोड़ को कवर कर लिया है। जी हाँ गाइज, अल्लू अर्जुन का पैन इंडिया स्टारडम और मूवी का लेवल मेकर्स समझ चुके थे, इसलिए पुष्पा 2 के मेकर्स ने मूवी के राइट्स को काफी ज्यादा महंगे बेचे हैं। जी हाँ गाइज, नॉर्थ इंडिया में मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स बिके हैं पूरे 200 करोड़ में, जो कि नॉर्थ इंडिया की सबसे बिगेस्ट थिएट्रिकल डील है। और ये तो कुछ नहीं गाइज, नेटफ्लिक्स ने मूवी के डिजिटल राइट्स को खरीदे हैं पूरे 275 करोड़ में, जो कि एक्सटेंडेड 300 करोड़ तक जाएगा, जो कि एक्सटेंडेड 300 करोड़ तक जा सकता है। तो भाई साहब, मतलब बजट तो मूवी अभी कवर ही कर चुकी है, तो देख लो भाई किस लेवल की तबाही मूवी थिएटर में लाने वाली है। वेल, आप कितना एक्साइटेड हो पुष्पा 2 के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।